एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो बेसिकली अभी हम लोग निकलने वाले हैं मुंबई के लिए, एंड ये जो मेरे फेस पे रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, ये धूप का आ रहा है, बिकॉज सीधी धूप अभी यहाँ पे आ रही है। मतलब ठंड में धूप नहीं आती है, ऑल्दो ये ईस्ट फेसिंग घर है, मतलब सामने ईस्ट ही है हमारे, ईस्ट वेस्ट फेसिंग है, सीधी धूप ठंड में नहीं आती है। लेकिन गर्मियों में जब धूप नहीं चाहिए होती है तब यहाँ पे सनलाइट आती है। वैसे सनलाइट तो 12 महीने ही चाहिए होती है, बट ठीक है। हाँ, तो अभी स्टेटस ये है, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करके आया है। तो आज हमारी जो ट्रेन है ना वो 9:30 की है। तो मैंने, मेरी मदर इन लॉ ने बोला था, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, तो मैंने उनको बोला था लॉन्जी होती है ना, जो लॉन्जी जिसको बोलते हैं कैरी का जो होता है, कैरी की मंथी, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, इट्स अ खट्टी मीठी चटनी टाइप की होती है। मैंने बोला था कि आप लॉन्जी रख देना, थोड़ा सा चूड़ा रख देना, और रोटी या पराठा जो भी रखना है वो रख देना, ताकि सब्जी वगैरह क्या भूस जाती है गर्मी में, ख़राब हो जाती है, वहाँ पे जाके भी हम लेट पहुँचने वाले हैं तो हम वही खा लेंगे। तो मेरी मम्मी का बिल्कुल शॉक था कि नहीं, उनको कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि इतना बेसिक ही लेके जा रहे थे, इतना कुछ नहीं। फिर भी अभी मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि उन्होंने, फर्स्ट फ़ोन करके वो मुझे बोलती है डांटना मत, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा वो हो जाता है, हाँ चिल्ला देती हूँ एकदम से। मैंने ना 10 पूरी और ये सब्जी बना दी। मैं बोली मम्मी कहीं बना यार, इतना थोड़ा खा, और ट्रेन में वैसे भी बहुत कम खाते हैं। तो पहले तो मैंने मना कर दिया, नहीं लेके जाऊंगी, मतलब नहीं लेके जाऊंगी। फिर मैंने 2 मिनट बाद तुरंत फोन किया, मैंने कहा चलो रख देना, तो मम्मी कहती अब नहीं रखूंगी, फिर मैंने वापस कर दिया। फिर दोबारा फोन किया, फिर मैंने कहा अरे रख देना, बनाया क्यों है, फिर अब ठीक है, ऐसा हुआ है सुबह से। तो मम्मी लोग को भाई समझाना इज लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल खाने पीने के लिए। तो हमारा सामान पैक हो गया है, बस मैं ये वो कर रही हूँ कि अच्छे से पहुँच जाए। मेरा सामान कभी भी इधर से उधर होता है तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता है, बस भगवान अच्छे से सामान पहुँच जाए। बैग को देखिए, मतलब ये अगर आज लास्ट कर गया ना, इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से पकड़ूंगी और ये यहाँ से चटक ना जाए। मतलब अगर ये आज लास्ट कर गया तो मैं समझ जाऊँगी स्काई बैग्स की क्वालिटी टॉप क्लास। वैसे मुझे पता है लास्ट कर जाएगा, बट हर बार मैं यही सोचती हूँ कि बस ये आज लास्ट कर जाए, चल जाए फटे फटे ना। भाई इसमें दो दो लैपटॉप रखे हुए हैं, कैमरा रखा हुआ है, बहुत सारा सामान रखा है। ये मेरा बैग जो कि बहुत ज़्यादा फुल हो गया है, और ये हमारी पानी की बॉटल, ये हमारी लाइट है, लाइट्स वगैरह, एक और इसी तरीके का झोला हमको मिल रहा है, खाने का झोला है, ये लाइटों का झोला है। फिर ये हमारा जम्बो बैग, ये हमारा छोटा बैग, ये हमारा एक और छोटा बैग, और ये हमारा मीडियम साइज का बैग। सो इतने बैग जा रहे हैं भाई साहब, इतने बैग जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जस्ट घर के सामने थोड़ा एक दो घर छोड़ करके 24 आवर्स की रामायण बैठी हुई है। तो कल रात से, कल दिन से स्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक आज दिन में खत्म होगा। पापा आ गए हैं, दिस इज द रेलवे स्टेशन ऑफ भोपाल। आप ये देखो, मतलब सब कुछ है भाई यहाँ पे एकदम। दिस हम सब जाते हुए दोनों पापा लोग। सो दिस इज द स्टेशन ऑफ भोपाल, ये रानी कमलापति स्टेशन है, एंड लुक एट दैट। मतलब बहुत सारे जगह पे ना इतना अच्छा तो एयरपोर्ट भी नहीं होता है, जितना क्लीन एंड इतना मेंटेन्ड है ये रेलवे स्टेशन। मेरे पापा और मेरे फादर इन लॉ दोनों फर्स्ट टाइम ही आए थे, क्योंकि अभी इतना काम ही नहीं पड़ता है। हम लोगों के जो रिलेटिव्स हैं ना, वो भी सब आसपास ही रहते हैं, जैसे इंदौर चले गए, उज्जैन चले गए, तो यूजुअली सब कार से ही चले जाते हैं, तो इतना काम नहीं पड़ता है स्टेशन आने का। एंड देखिए सोलर पैनलिंग लगा करके रखी है, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत सही है। इस रेलवे स्टेशन को अगर आप भोपाल के आसपास रहते हैं, भोपाल में रहते हैं ना, तो एक बार देखना बनता है। सो आई रियली लाइक इट एंड आई लव इट, बहुत अच्छे से उन्होंने प्लानिंग से बनाया हुआ है। तो हमारी ट्रेन आ गई, हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे, विक्की को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बैक में, तो वो पूरे टाइम लेटते हुए ही आया है। हे गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई। कल रात में बहुत लेट हो गया था, हमारी जो ट्रेन है वो बहुत लेट हो गई थी, 12:30 और 12:45 समथिंग, एंड क्योंकि विक्की को बैक का प्रॉब्लम था तो हम लोगों को कुली भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से कुली मिला है, एंड ओ माय गॉड व्हाट अ स्ट्रगल। उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं घर पहुँच जाऊँ कैसे भी करके, और ये गलती अब हम नेक्स्ट टाइम कभी नहीं करेंगे कि इतना सामान है और ट्रेन से तो कभी नहीं आने वाले। मैंने विक्की को तब भी बोला था कि अपन कार से चलते हैं, क्योंकि मुझे पता था बहुत सामान आने वाला है। तो अभी पता है क्या आता, टीवी वगैरह भी और जो भी थोड़ा ऐसा डेलिकेट स्टफ होता है ना, जो हम सामान हमेशा कार से ट्रैवल कर लेते हैं चल करके, वो सब हमारा इसमें आ जाता अगर हम कार से आते तो। पर ठीक है, चलो अभी तो आ गया जो सामान आना है, टीवी वगैरह वही लोग के ऊपर हेडेक, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस रहेगा, 2 लाख का इंश्योरेंस देते हैं वो लोग। सो यस, ये जो रूम है हमारा रेडी हो चुका है। फर्नीचर वाइज तो यहाँ पर सब कुछ, वार्डरोब भी बननी थी सिर्फ, और कुछ नहीं कराना था मुझे। पेंट हो चुका है, आपको पेंट का कलर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई रियली डोंट नो। दिस इज़ द कलर जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, वाइट कलर वो है, एंड ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, हल्का सा
ग्रे का टोन है, बहुत हल्का सा ग्रे एंड क्रीम मिक्स है, ग्रे लाइट, एकदम लाइटेस्ट ऑफ ग्रेइश एंड क्रीमिश मिक्स काइंड ऑफ अ कलर है। तो ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि मेरे पास जो पूरा फर्नीचर है वो वाइट फर्नीचर है, और जब आप पूरा वाइट, मैंने एक चीज़ नोटिस करी अभी क्योंकि जैसे हम अभी शिफ्ट कर रहे थे ना, तो हमने पूरे घर को वाइट पेंट करवाया था, तो वाइट पेंट के ऊपर वाइट जो फर्नीचर है ना वो फ्लैट कर देता है लुक को। ये मैं बहुत नोटिस कर रही थी अपने भोपाल वाले घर में कि समहाउ ना ये जो फर्नीचर है इसकी वजह से, और जो मैंने वॉल्स पे पेंट करवाया उसकी वजह से ना फ्लैट घर लगता था, समझ रहे हो? पता नहीं अभी मैं कैसे समझाऊं, बट उसके ऊपर जब आप वाइट फर्नीचर रखते हो तो आपको फर्नीचर भी पॉप होके दिखता है, आपका घर भी पॉप होके दिखता है। तो इसलिए मेरा मन था कि मैं थोड़ा सा शेड अपना जो है वो टोन डाउन कर लूँ, एंड ऑब्वियसली आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ न्यूट्रल कलर बिकॉज अब तो ये खुद का घर है, तो भाई मेरा बहुत मन था कि मैं न्यूट्रल कलर पे जाऊँ। एक वॉल हम सोच रहे थे एक्सेंट वॉल करने का हम लोग, लेकिन कुछ DIY करना चाह रहे हैं, विक्की का बहुत मन था वो करवाने का इस वॉल पे, तो मैंने विक्की को बुलाया, कुछ तो बात के लिए छोड़ दो, तो अभी सभी कुछ अभी घर अपन रेडी कर देंगे तो अपन DIY कब करेंगे, तो वो तो हम दोनों कर लेंगे। सो यस, कलर हो गया है, वार्डरोब हमारी रेडी हो गई है, और वार्डरोब बहुत सही बनाई, मतलब बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके बनाई थी, बहुत अच्छी बनी है। मैं सारी चीज़ें, वार्डरोब, किचन, TV की जो पैनलिंग हो रही है, इवन सिक्योरिटी गेट, मेन गेट, सब कुछ हमने डिज़ाइन किया था, जैसा हमने डिज़ाइन किया था वैसे ही ऑन जो है उसमें हुआ है। एंड सबसे सुंदर जो पूरे घर में कोई चीज़ उठ के आई है ना, वो आया है हमारा सिक्योरिटी गेट, जो मतलब सेफ्टी डोर जो होता है ना, वो इट्स ब्यूटिफुल। कल का एक बहुत अच्छा इंसिडेंस बताती हूँ मैं। तो एक्चुअली क्या हो रहा था ना, हमारे पास घर का खाना था, मेरी मम्मी ने भी रख दिया था और मेरी मदर इन लॉ ने भी रख दिया था, तो घर का खाना था और मुझे ना बहुत क्रेविंग हो रहा था वेफर्स खाने का, चिप्स खाने का, लेस खाने का। आई लव जो ब्लू वाला पैकेट होता है लेस का वो, और दूसरे नंबर पे मुझे ऑरेंज वाला है, दोनों बहुत पसंद है। तो मुझे बहुत क्रेविंग हो रहा था कि मुझे लेस खाना है, बट कहीं मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमारी जो ट्रेन है वो नासिक पे रुकी, तो जैसे ही नासिक पे रुकी, अब विक्की तो ज़्यादा लेटा हुआ था तो वो उसको लेटे ही दे रही थी, मैं बोल रही थी ज़्यादा आप इधर उधर वो मत करो, झटका वटका लग जाएगा, ट्रेन एकदम चली और बॉडी वो हुआ, तो मैं ना दौड़ करके गेट पे गई और मैंने बोला कि शिट, मैं नीचे नहीं उतर रही थी, मुझे डर भी बहुत लगता है कि यार कभी ट्रेन चल दी तो मैं दौड़ करके नीचे उतरी और मैंने भैया को बोला कि मुझे चिप्स दे दीजिए और मेरी ट्रेन पे वहाँ पर। तो वहाँ पर TT जो भी थे ना वो खड़े हुए थे, उनको क्या लगा कि मैं शायद कोई बच्ची सी लग रही होंगी, अब भगवान जाने क्या लग रहा था उनको, तो उन्होंने मेरे लिए वो खरीदा, उन्होंने पैसे दिए और पैसे देने के बाद मुझे वो पकड़ा दिया। तो मैंने उनको बोला कि अंकल आप, आपका बड़े थे काफ़ी, मैंने कहा अंकल आपका गूगल पे नंबर दे दीजिए, मैं आपको पे कर देती हूँ। अंकल बोले अरे छोड़ो, कहाँ गूगल पे करोगे, इतने से पैसे, जाओ मेरी तरफ से खाओ उसको। तो मैंने बोला नहीं अंकल मैं पे कर देती हूँ, बोलते अरे मैं बोल रहा हूँ ना, चलो जाओ जा करके खाओ, इन्जॉय करो, और ऐसे करके उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। मैं विक्की को आकर के बताई, मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा उनको लग रहा होगा ये कोई पता नहीं क्या लग रहा था, भगवान जाने, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया। फिर हमारे जो सामने लड़की थी ना, वो अनमैरिड ऐसे बैचलर होते हैं ना, मुंबई में जॉब करती है, तो वो भी बैठी हुई थी, दिन भर से मैंने ये तो देख लिया था कि वो खाना नहीं लेकर के आई थी, वो खाना नहीं खा रही थी और ऐसे चुटर पुटर कभी चिप्स खा रही है, चाय पी रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो जब हमारे पास खाना, हम खाना खाने के लिए बैठे, उससे हमारी अच्छी बात हो रही थी, वो सतना की थी वो, तो हमारे पास एक्स्ट्रा रोटी बची थी तो हमने उसको ऑफर करा कि आप खा लो, तो एक बार तो उसने मना किया, फिर उसको भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं हमारे पास बहुत सारी एक्स्ट्रा चपातीज़ हैं, आप ले सकते हो। फिर मैंने उसको प्लेट में सर्व करा सब्जी रोटी और थोड़ा सा जो चूड़ा हम लोग खाते हैं वो, शी वॉज वेरी हैप्पी, उसका चेहरा ही खिल गया था एकदम, तो मम्मी को बताई थी, मम्मी कहती अच्छा है ऐसे हेल्प कर देना चाहिए। सो आई जस्ट टुक शावर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए बाहर, ये टॉप पहनने वाली हूँ, नीचे लोअर पहनने वाली हूँ, हमारे घर से एक्चुअली तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, बट सोच रहे हैं कार लेकर के जाएंगे क्योंकि मेरा वॉक करने का बिल्कुल मन नहीं है। आई एम फीलिंग सो डिहाइड्रेटेड, मतलब भोपाल में जितना मैं थकान फील नहीं कर रही थी उससे डबल मैं आज यहाँ पे फील कर रही हूँ, जबकि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं रात में बहुत आराम से सोई भी हूँ, बट स्टिल मुझे लगता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हो रहा था, थकान सा। तो आई थॉट कि मैं कार से जाऊँगी, तो अभी मैं फटाक से कॉम कर लेती हूँ और विक्की की कॉल चल रही है, 7:30 पर उसकी कॉल ख़त्म होगी तब हम लोग जाएंगे। क्या मॉर्निंग गाइज, सो आज है नेक्स्ट डे, आज मैंने अपना लैपटॉप वगैरह भी ओपन कर लिया है बिकॉज मुझे एडिट करके एक वीडियो देना है। सो अमेजन से धीरे धीरे मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिए हैं घर वाले, सो वो तो एक बाद में एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी कि क्या वर्थ इट आया है, क्या नहीं आया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मैंने ना किचन के लिए एक टैप ऑर्डर किया था जस्ट देखने के लिए कि क्वालिटी सही आई है कि नहीं आई है, अभी जस्ट ओपन किया है मैंने उसको, उसके साथ ये दो अटैचमेंट आई हैं एंड दिस इज़ द टैप ओके आई थिंक ये ऐसे लग जाएगा, आई डोंट नो ये लगेगा कैसे,
ऐसे आपको ऑन करना रहेगा एंड लुक एट दिस, मतलब आप इसको कैसे भी वॉश वगैरह कर सकते हैं, बर्तन वॉश कर सकते हैं। एंड फिनिश देखिए इसकी, आप इसकी फिनिश देखिए, इट्स अ मैट ब्लैक कलर और सिल्वर, इतना सही लग रहा है। सो दीज आर द टॉयलेट क्लीनर्स, मैंने ना ऐसे शेप के मंगवाए हैं, इस तरीके के शेप के, ताकि ये ना ऐसे अंदर अंदर जाकर के भी बहुत आराम से सीट को क्लीन कर सकें। एंड सिलिकॉन वाले हैं तो आप इनको ना वॉल माउंट भी कर सकते हैं, तो बहुत आराम से ये वॉल माउंट हो जाएगा। एंड आई लाइक दिस, मतलब अच्छा लग रहा है। सो ये ऐसे दो मंगवाएं दोनों टॉयलेट्स के लिए। किचन बनानी है, वो लाइनर्स पहले मंगवा लिए मैंने। सो दीज आर द लाइनर्स, ये एक ब्राउन कलर का है और एक ट्रांसपेरेंट कलर का है, तो ये ब्राउन वाला किचन में यूज़ करूँगी, ट्रांसपेरेंट वाला क्लोथ्स के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि वार्डरोब हमारी बन गई है ना, तो मैं काफ़ी सामान भी लेकर के आई हूँ, तो अभी आज उनमें हैंडल्स लगना बाकी है। जब हैंडल्स वगैरह लग जाएंगे उसके बाद फिर मैं वार्डरोब्स जो है पूरी ऑर्गेनाइज कर दूँगी, क्योंकि लॉक वगैरह लग चुके हैं। ओके, तो मैं एडिटिंग वगैरह करने जाती हूँ और फिर बाद में आप लोगों से मिल। ओके गाइज, तो उसके बाद हम लोग मतलब ये वाला जो दिन था ये डेडिकेटेड था मार्केट के लिए, तो हम लोग वॉशरूम मिरर्स वगैरह देखने के लिए गए थे। सो काफ़ी सारी शॉप्स हमने एक्सप्लोर करी, जहाँ पर एक्रेलिक टेम्पल भी थे। वैसे मुझे ये मिरर काफ़ी पसंद आ रहा था एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, बट हम इसको DIY कर सकते हैं क्योंकि वो मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था। इवन मुझे ये स्टैंडिंग मिरर भी काफ़ी पसंद आया, बट अगेन दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसे सस्ता IKEA में मिल जाता है। सो ये सब हमें वही देख रहे थे, एक्रेलिक शीट्स मंदिर के पीछे लगाने के लिए एंड ऑल दैट। तो उसके बाद फिर हम गए थे हैंडल्स लेने के लिए, तो हमने बेल वगैरह भी ले ली। अब हम हैंडल्स पसंद करें तो भाई साहब क्या एक्सपेंसिव हैंडल्स आते हैं, लेकिन कुछ हैंडल्स तो इतने प्रिटी थे, मतलब कुछ ऐसे थे कि जिसमें सिंपल सिर्फ वुड लगा हुआ था और ऊपर गोल्डन उसमें कुछ तो भी मेटल का लगा के रखा था, एंड उसका प्राइस वाज लाइक 3000-4000, मतलब ये मेटल वाले तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव आए हैं। सो तो बाथरूम मिरर्स और हैंडल्स हमारे फाइनली बुक हो गए हैं, तो एक काम से तो फ्री हुए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यार, मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी महंगी आती है, मतलब लिटरली जो ये छोटे छोटे काम हो रहा है ना, मिरर लेना, ग्लासेस लेना, लाइट्स लेना, ये बहुत महंगा हो रहा है। बाकी सब चलो हो गया हो गया, उसका बजट हमने बना लिया था, टाइट बजट जो होता है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है ना, लूज़ बजट बहुत भारी पड़ रहा है। और उसके बाद जो वार्डरोब के हैंडल्स लग रहे हैं वो, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है चीज़ें यार, बहुत महंगा पड़ गया है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। अब हम जा रहे हैं, हमारी जो फॉल सीलिंग वाली लाइट, पहले हम एक एक सैम्पल के लिए लेकर के आए थे, अब हम पूरा कम्प्लीटली परचेस करने जा रहे हैं। किचन के जो वो कैबिनेट्स है वो आ गए हमारे सारे कंपनी से, तो वो अब लगना स्टार्ट हो गया है। सो अब हम जा रहे हैं थाने मार्केट, तो यस आई एम ब्लॉगिंग एंड या लेट्स गो। मतलब इतने मंदिर देख लिए, पर मंदिर में वही ले रही हूँ जो मेरे सबसे फर्स्ट नज़र में मेरे को एकदम दिल को मेरे भाग गया था, वही अभी विक्की मुझे सेकेंड चांस थर्ड चांस दे रहा है, ये भी देख लो, एक बार यहाँ देख लो, एक बार वहाँ देख लो। पवई में कोई सा तो भी मार्केट है, मार्बल मार्केट है बहुत बड़ा, वहाँ पीछे पड़ रहा है मुझे लेके जाने के लिए, पर मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ में जो हो गया ना, यस यस यही चाहिए था मुझे, वो मेरे को आ गया है। अब वो आ गया है तो मेरे को भटकना अननेसेसरी पसंद नहीं है, तो या लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल गए हैं थाने मार्केट। जब हम एंटर कर रहे थे तब तक गाड़ी मैंने चलाई थी, इसलिए कोई व्लॉग नहीं किया। मैं विक्की को बोल रही थी थोड़ा मेरे को इसी गाड़ी पे हाथ अपना क्लीन करना है। ओके, सो हम लोग ना लाइट्स कहाँ से ले रहे हैं, टेंपल कहाँ से लिया है, सारी चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, उन सब की डिटेल वीडियो जब मैं लाइट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी ना, डेडिकेटेड वीडियो एक एक अलग अलग चीज़ों के ऊपर बनाऊंगी मैं। तो अभी जैसे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आपके पेंटर का नंबर दे दीजिए, आपके कारपेंटर का नंबर दे दीजिए, आप इलेक्ट्रिशियन का नंबर दे दीजिए, तो वो जब मैं इकट्ठा सब काम करूंगी ना, तब मैं डेफिनेटली पेंटर का नंबर, कहाँ से मैं लाइट्स ले रही हूँ, शैंडलर कहाँ से लिया है, नल टैप कहाँ से लिया है, दुनिया जान की सारी चीज़ें मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया करूँगी। सो दैट बिकॉज बहुत मेरे को ऐसा लगता है मेरी ऑडियंस जो है वो थाने वाली है। सो या ये मेरे को फोकस क्यों नहीं कर रहा है, शक्ल देखो मेरी, इतना ज़्यादा स्वेट हो रखा है, बहुत ज़्यादा वो है, ह्यूमिडिटी स्टार्ट हो गई। अब अभी तक जब तक हम आए थे तब तक सिर्फ गर्मी थी, अब फाइनली जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ गई है। You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. पर हूँ लाइट्स वाली, एंड अनफॉर्चुनेटली जो मैंने एक पसंद करके गई थी वो सेल आउट हो गई है यार, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो इतनी अमेजिंग थी। बट ठीक है, मैं ऑप्शन में पसंद तो नहीं आ रही है मुझे इतनी ज़्यादा, तो मैं वहाँ की लाइट अभी स्किप कर रही हूँ। तो लेट्स सी, वो भैया गोडाउन में चेक करने के लिए गए, तो आई एम जस्ट होपिंग कि वो मिल जाए।
हाँ, तो हमने बेडरूम का वॉल लैम्प ले लिया है. उसके बाद जो ये पोर्च एरिया होता है ना, स्पेस है वहां के लिए, एक मैंने 3-in-1 लाइट का शैंडलर, मिनी शैंडलर बोल सकते हो, वो ले लिया है. वो बहुत क्यूट है, हाँ ना, वो लिया है मैंने. वो भी मतलब वही है, व्हाइट कलर का होता है, उसके बाद वॉर्म व्हाइट है, एंड उसके बाद येलो कलर का उसमें है. तीन तरह के कलर्स हैं, तो वो भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है. ये रहे पीछे ट्यूसडे, आज है सैटरडे, मंडे ट्यूसडे को हमारे जो मंदिर है, हम दो साइजेस में कंफ्यूज हो रहे थे, दो उसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो ट्यूसडे तक ना हमारी लाइट्स लग जाएगी, लाइट्स लग जाएगी, घर का वो आ जाएगा. तो ये समझ में आ जाएगा कि बल्कि तो नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम कोई ऐसा फर्नीचर ले लेंगे ना कि बाकी सब फर्नीचर हमारा डेलिकेट और वो बल्कि, तो बहुत अजीब हो जाएगा. तो इसलिए दोनों मंदिर आ जाएंगे, हम रख के देखेंगे कि क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है उस वॉल पे, क्या लुक बहुत अच्छा आ रहा है, फिर हम वो वाला मंदिर वो कर लेंगे, मतलब खरीद लेंगे. तो यस, मेरा इस घर में खून पसीना, पैसा वैसा तो चलो लगा ही है वो अलग है, लेकिन खून और पसीना भी भयंकर वाला लेवल का लगा है. ठीक है, टूटती पड़ती रहती है तो लगेगा ही. मतलब मैं इतनी जगह से खुरची हुई हूँ, मतलब छिली हुई हूँ. मैं वैसे भी जब चलती हूँ ना, तो मैं आए दिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ, हाँ, और जब लग चुकी होती है उसके बाद मुझे रियलाइज होता है, ओह शिट, मुझे कहीं लग गई है. खाना बनाते टाइम का एक अलग ही सीन है, उसमें तो मैं जली हुई रहती हूँ, कभी भी मैं जली हुई रहती हूँ या मैं नाइफ से कटी हुई रहती हूँ, वो तो मेरा रहता ही है, डैमेज तो मैं रहती हूँ. और अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी ये रहा कि मैं हाथ पैरों से खुरची हुई हूँ, पैर में कहीं लगी हुई, भगवान जाने कहाँ से पैर में लग गई, मुझे क्या लग गया, ऐसा लगा, लगता फिरता रहता है. ऐसे कितने लोग हैं जिनको कहीं से भी कभी भी लग जाती है, और जब लग जाती है तब आपको पता नहीं चलता, लेकिन दो दिन बाद पता चलता है. मतलब आई एम वन ऑफ देम भाई, मैं बहुत वियर्ड हूँ इन सब चीजों में. ओके गाइस, तो अब शार बार ले लिया है, क्योंकि हम सुबह जो थाने मार्केट निकले थे, हमको पता था कि वहां पर बिल्कुल हम एकदम लपेटे में आ जाते हैं, पसीने वसीने और बहुत ज्यादा स्वेट होता है, बापरे. तो अभी हम जा रहे हैं आइकिया. तो आइकिया में क्या, अंदर पूरा ऑल एसी रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता, तो अभी मैंने शार लिया है. हम लोग डेली लिटरली या तो दो बार शार लेते हैं, अदरवाइज रात में तो कंपल्सरी मैंडेटरी होता है शार लेना. सो शार बार ले लिया है, और अब निकल रहे हैं आइकिया के लिए. चिप्स का पैकेट रख लिया है, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है. इतना ज्यादा भागा थोड़ी होगी ना कि मुझे भूख भी ज्यादा लगती है यहाँ पर आकर के. तो यस, लेट्स गो. हे गाइस, तो हम लोगों का सारा शॉपिंग हो गया है. मैंने ज्यादा ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि इतना भागते दौड़ते शॉप किया है यार, हम लोग बहुत लेट हो गए थे. हम आए पहुंचे 6:30-7:30 बजे हैं, और अभी 9:30 बज रहा है. तो 2 घंटे तो आइकिया में कुछ, और उसमें भी आदमी ने मेरे को पूरा उल्टा चलवाया. मतलब हम घुसे भी अलग जगह से, जहाँ से एग्जिट करते हैं ना, हम लिटरली वहाँ से घुसे हैं. अगर हम वहाँ से नहीं घुसते ना, तो हम इतना भी नहीं कर पाते शॉपिंग. और जो मुझे चाहिए था वो यूनिट इतने टाइम से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था. फाइनली आज वो एक ही पीस था, और वो एक ही पीस मैंने परचेस कर लिया. मैंने कहा अभी मैं नहीं छोड़ रही हूँ, सोचने के लिए भी नहीं छोड़ रही हूँ, मुझे ले लेती हूँ. तो वो ले लिया है मैंने, और या बहुत थक गए. हेलो गाइस, रुचि इज ड्राइविंग, मी सिटिंग. फर्स्ट टाइम मुंबई की ट्रैफिक में ड्राइव किया है मैंने. मी सिटिंग एंड गिविंग कमेंट्री जस्ट लाइक क्रिकेट मैच, वैसे ही चलाती है गाड़ी. भाई ये तो बताओ कि मैं फर्स्ट टाइम मुंबई की ट्रैफिक में ड्राइव किया आज मैंने. बता दिया ना, ठीक है ना. गाड़ी चला रही है ट्रैफिक में, हो जाओ. क्यों, खुशी की बात है भाई, मेरे को तो बहुत खुशी की बात है ये. हाँ, एक और खुशी की बात, व्हेन रुचि ड्राइव्स माय वर्क इज वेरी वेरी सिंपल. एक तो हेराम हेराम करते चलो, और उसके बाद इनको बताते चलो कि इतना टोकता है, ये इतना टोकता है, लाइट नहीं खुली है, इंडिकेटर दे दो, कुछ भी सुनो, ऊपर चढ़ना नीचे जाना है, मेरी बात सुनो, लेफ्ट ले लो, इंडिकेटर वाली बात तो बोलना ही मत, गियर चेंज कर दो, इंडिकेटर वाली बात तो बोलना ही मत. आप, यू आर द वन जो इंडिकेटर कभी नहीं देता है, ठीक है. चलो, रुचि को भूख लग रही है, अब ये पागल हो जाओ, उससे पहले बंद कर देते हैं अपन. ठीक है, तो हम लोग कल आ गए थे, एंड थोड़ा लेट आए, एंड आने के बाद फिर बहुत तेज मुझे भूख लगी थी, क्योंकि मैंने वहाँ पे खाया नहीं था ढंग से खाना. मुझे बिल्कुल भी आइकिया का खाना, बहुत लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. या तो मैं विक्की को पूछती थी, तो हमारा टेस्ट खराब है या पता नहीं क्या है, पर मुझे बहुत यमी नहीं लगा. एक तो मुझे ना देसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ पे, वो जो भी वेजी बॉल्स वगैरह थे, मुझे ऐसा लग रहा था एक तो वो बहुत दिनों पुराने बने हुए हैं, और पता नहीं ऐसा लग रहा था, तो मुझे मज़ा नहीं आया वहाँ का खाना खाने के, तो मेरा पेट भी नहीं भरा था, उन्होंने ढंग
से खाया भी नहीं था. आई रिसीव दिस ब्यूटिफुल स्लिंग बैग फ्रॉम द ज़ॉक और ज़ू. कुछ लोग ज़ू बोलते हैं, कुछ ज़ॉक बोलते हैं. तो वहाँ से मुझे ये रिसीव हुआ है. मेरे पास एक बड़ा बैग भी आया था, मैंने अपने ब्लॉग में बताया था. एंड आई हैव रिसीव दिस स्लिंग बैग. आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ दिस बैग. काफ़ी स्टर्डी है एंड लुक एट द स्पेस, कितना ज़्यादा स्पेस है. दो जिप है यहाँ पर, एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कूपन कोड रहेगा. सो अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे ना, तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा. तो मेक श्योर एट यू शॉप फ्रॉम देयर ब्रांड. काफ़ी स्टर्डी एंड अच्छी क्वालिटी का है एंड आई रियली लाइक इट. मतलब ऐसे मेरे पास टैन कलर का कोई बैग भी नहीं था और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी लेने का. सो दिस इज द बैग. ये है बैग. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, ट्राई जरूर करिएगा. काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. सो कल हम काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के आए हैं. सब गाड़ी में ही पड़ी हुई है. बेसिक जो चीज़ें हैं वो लेकर के आए हैं और कुछ चीज़ें देख के आ गए हैं. तो अभी हमारा एक बाहर ना स्टोरेज बन रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव बन रहा है वो. हम लोग को आइकिया में उसका एक काफ़ी सस्ता वर्जन मिल गया जो कि मेटल का है. तो हम लोग सोच रहे हैं इसको रिप्लेस करके हम वो मेटल वाला ले लेंगे, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा. तो काफ़ी चीज़ें हैं क्या मैं ऐसी हैं जो हम सोच रहे हैं यहाँ पर करवाने की बजाय हम वहाँ से ले लेंगे. तो डेफिनेटली कॉस्ट में थोड़ा फ़र्क आ रहा है. वो सब मैं आपको एंड में बताऊंगी. अभी मैं हॉल वॉल कुछ नहीं बना रही हूँ और अभी जस्ट यहाँ बैल्कनी में मेरे काम चल रहा है और सामने वहाँ किचन में काम चल रहा है. तो यस, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ. बहुत खटक बटन आवाज़ आ रही है. मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया नॉट फॉरगेट टू द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट डाउन बिलो. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.